हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यूनिट 10 क्वेश्चन आंसर्स. एक्सप्लेन कर रही हूँ, प्लीज वॉच माई वीडियो केयरफुली. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज जीत फॉन्ड ऑफ. जीत फॉन्ड ऑफ मतलब उसको क्या लाइक था, मतलब ज्यादा पसंद क्या था उसको. तो आंसर इज जीत वॉज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. आई थिंक चॉकलेट्स बच्चों को नहीं, बट यंग वंस एंड इवन यस हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे फादर मदर को भी बहुत पसंद है. तो जीत को भी चॉकलेट्स बहुत पसंद थी. नाउ जीत मदर वुल गेट एंग्री बिकॉज, यहाँ पे क्या आंसर आएगा. जीत की मदर क्यों एंग्री हो गई थी, बिकॉज ही वुल नेवर ईट एनी वेजिटेबल. जीत को एक भी वेजिटेबल खाता नहीं था इसलिए. नाउ व्हाट डिड जीत नॉट लाइक टू ईट, जीत को क्या पसंद नहीं था. तो आंसर इज जीत नॉट लाइक टू ईट एनी वेजिटेबल्स. नाउ नेक्स्ट, जीत वुल नॉट लुक एट, यहाँ पे क्या आंसर आएगा. यस, वो किसके सामने देखता नहीं था. तो द कैरट, गाजर हलवा, टॉप विथ नट्स एंड रेजिस. उसका टॉपिंग किसके साथ किया था, नट्स. यस, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, उसके साथ उसकी मम्मा ने उसको गार्निशिंग किया था, फिर भी वो देखता भी नहीं था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड द वेजिटेबल्स फील, वेजिटेबल क्या फील कर रहे थे. तो द वेजिटेबल्स वुड फील मोर एंग्री एंड हर्ट. वेजिटेबल बहुत एंग्री हो गए थे गुस्से में और हर्ट फील कर रहे थे. नाउ हु डिड नॉट लाइक जीत, जीत को कौन पसंद नहीं करता था. तो आंसर इज मिस्टर पोटैटो. नाउ नेक्स्ट, हु वॉन्टेड टू स्पैंक जीत. तो मिस भिंडी वॉन्टेड टू स्पैंक, भिंडी को जीत को स्पैंक करना था. नाउ वॉट डिड मिस्टर करेला से, मिस्टर करेला ने क्या बोला. मिस्टर करेला सेड विथ ए नॉटी स्माइल, आई नो हाउ टू डील विथ दिस स्टबर्न बॉय. स्टबर्न बॉय यानी स्टबर्न यानी जिद्दी लड़का. नाउ व्हाट डिड मिस्टर करेला डू. तो मिस्टर करेला हैड स्क्वीज्ड हिज जूस इन हिज प्लेट. मिस्टर करेला ने अपना पूरा कड़वा बिटर जूस प्लेट के ऊपर, जिस प्लेट के अंदर क्या था पिज्जा, उसके ऊपर पॉर कर दिया. नाउ व्हाट वॉज जीत फॉन्ड ऑफ, तो जीत वॉज फॉन्ड ऑफ पिज्जा. हाउ वॉज द पिज्जा, पिज्जा का टेस्ट कैसा था. तो द आंसर इज द पिज्जा वॉज बिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे वीडियो में आपको समझाऊंगी. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.